वेलकम दोस्तों, मैं देवेंद्र आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम ट्यूटर क्लब। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका के बारे में जिसके माध्यम से यदि आपके पास कोई पुराना फोटो हो या फिर आपने कोई अभी फोटो खींचा है और उसमें कोई ऐसा वस्तु आ गया जिसके चलते वो फोटो क्या है कि खराब लग रहा है, वो फोटो उस वस्तु के चलते खराब लग रहा है, वो वस्तु हट गया तो फोटो और अच्छा लगे, यदि या फिर आप उसे हटाना चाहते हैं तो बहुत इजीली तरीके से आप उसे कैसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वही दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो घंटा बटन है इस पर भी क्लिक करें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके आप हमारे उस वीडियो को देख सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोजाना लाता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी से संबंधित, व्हाट्सएप संबंधित, नए नए अपडेट संबंधित, फेसबुक से संबंधित, स्टडी से संबंधित, जॉब से संबंधित। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं के पास इसे शेयर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है दोस्तों कि आपका कितना हमें सपोर्ट मिल रहा है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है दोस्तों। और आपके पास यदि हमारे चैनल के प्रति, हमारे वीडियो के प्रति कोई राय या सुझाव है दोस्तों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई करने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊं जिससे आप अपने फोटो को क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊं दोस्तों, आने वाले समय में एक ट्यूटोरियल चालू करने वाला हूं और वो ट्यूटोरियल क्या होगा उसके बारे में बताया हूं दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखें, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने के पहले दोस्तों आप हमारे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर इस तरह फिंगर से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल बटन पर भी क्लिक कर दो दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले दोस्तों मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूं, यहां पर ये देखिए प्ले स्टोर है, इसे मैं ओपन कर रहा हूं। यहां पर जाकर आपको टाइप करना है TOUCH टच रिटच, RETOUCH टच रिटच फ्री ऐप। जैसे इस पर क्लिक करेगा दोस्तों यहां पर ये देखिए आ रहा है नीचे ये इस तरह का आइकॉन बना हुआ, ऐसा लोगो में आ जाएगा, इसी को आप ओपन करिएगा, इंस्टॉल करिएगा, बाकी सबको नहीं, इसी को इंस्टॉल करिएगा। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया, 4.2 का रेटिंग है जो बहुत अच्छा रेटिंग है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता दूं, यह एक ऐसा ऐप है दोस्तों कि इसके माध्यम से आपका कोई फोटो आप खींचते हैं और उसके बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको फोटो को खराब कर रहा है, जिसके चलते आपको फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं अपने फोटो में से, तो उसे आप बहुत ईजिली तरीके से हटा सकते हैं। कैसे हटाइएगा जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ओपन पर मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए आ गया यहाँ पर, यह ट्यूटोरियल है, यह एल्बम, यहाँ एल्बम पर मैं क्लिक करता हूँ। एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में से फोटो निकालना होगा जो आपको मोबाइल में है, जिस फोटो को आप करना चाहते हैं एडिट, जिससे ऑब्जेक्ट को कुछ हटाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो या कुछ लिखा हो सब हट जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ इसमें लिखा हुआ है सुद्रम सुप्रभातम, इसे हटाना है तो यहाँ जो आपको लिखा हुआ ऑब्जेक्ट रिमूवर इस पर क्लिक करिएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। और ये देखिए ब्रूस आ जाएगा, ये क्या है, लासो है, इरेजर है, सबका प्रयोग मैं बताता हूँ। ब्रूस है, इसे आप क्लिक सिलेक्ट करके करिएगा तो देखिए ये पूरा मोटा कलर में इस तरह आएगा। इसे यदि हटाना है तो उसके बाद फिर यहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो पर जाना है। जैसे ही गो पर जाएंगे ये देखिए यहाँ पर 100% हुआ। अब ये देखिए किसी प्रकार कोई भी दाग धब्बा नहीं है, पूरा पूरी हट गया दोस्तों। यदि मान लिया हमें फिर से इसे वापस लाना है, लगा कि नहीं इसे नहीं हटाना था, तो इस पर क्लिक करिएगा, ये वापस आ जाएगा, फिर क्लिक करिएगा और मान लिया जाए ये हमको हटाना है ये हरा रंग का, तो उसके लिए नीचे इरेजर दिया हुआ है, इरेजर पर सेलेक्ट कर लेना है और इसे इरेज कर देना है दोस्तों। इस पर जाकर फिंगर से करिएगा टच, ये हट जाएगा, हट गया। और मान लिया जाए हमें लगता है कि उंगली से करने से हमें ये क्या है कि कुछ ज़्यादा मतलब डीप हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लासो जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए और इसे ये राउंड दिया हुआ ये इस तरह राउंड कर दिया करके मिला दीजिए, टोटल जितना दूर को आप छेकेगा ये पूरा क्या होगा, गोल घेरा से घेरा घेरा बंद हो जाएगा। और यहाँ पर गो करिए, ये देखिए ये हट गया। अब मान लिया जाए हमें इसे हटाना है तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसी तरह, ये देखिए गो पे क्लिक किया,
ये देखिए जिस पे मैंने क्लिक किया दोस्तों सब हट गया। अब कुछ भी आपको दाग धब्बा नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों। यदि आपको कोई चीज लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए थे इस फोटो में दोस्तों, अब मैं आपको एक और फोटो से ऑब्जेक्ट हटा कर दिखा देता हूँ। एल्बम पे क्लिक किया, गैलरी पे क्लिक किया, इस फोटो को सिलेक्ट किया मैंने। इसमें मान लीजिए ये जो लड़का पीछे खड़ा है, हमें इसे हटाना है इस फोटो से। तो यहाँ जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट रिमूवल, फिर से इसे सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद इसे अच्छा ढंग से सिर्फ इसी पे को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा भी यदि भाग यदि किसी दूसरा पर चला गया तो उसका कलर बिखेर देगा। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ उदाहरण के तौर पर। मान लीजिए ये किया और ये जो ड्रेस है इसमें ये हरा वाला टच हो गया, तो आप देखिए गो पर जाऊंगा तो देखिए वो कलर ले उधर तक फैल जाएगा। ये देखिए ये फैल गया। तो ध्यान रहे कि जिसे हम कर रहे हैं सिर्फ उसे ही सिलेक्ट करना है। मैं बैक हो जाता हूँ, यहाँ से बैक हो गया और फिर से बैक करूंगा तो वो कलर हट गया। अब हमें सिर्फ इसे अच्छा ढंग से सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस बार ठीक ढंग से करूंगा, सिर्फ उसी लड़का को हटाना है। ठीक है, सबसे अच्छा हुआ कि इस पे जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ लासो को, और उससे मैं इसके चारों ओर गोल घेरा लगाता हूँ। ठीक है, ये टच हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। देखिए अब ये देखिए ये लड़का पूरी तरह से फोटो में हट चुका दोस्तों, लगता ही नहीं कि यहाँ पर पहले से कोई था। तो बहुत अच्छा ऐप से दोस्तों। एक और मैं आपको करके देखा, तो मान लीजिए ये कपड़ा जो पीछे सूख रहा है इसे हटाना है, तो इसके लिए भी मैं इसे ये तो इससे भी हो जाएगा, ब्रश से भी हो जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए कुछ ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, उसे इरेज कर दीजिए, इरेजर है आपके पास। ठीक है, अब गो पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही गो पे क्लिक, ये देखिए कपड़ा था जो पूरा हट गया, थोड़ा सा इसे सिलेक्ट नहीं करते लिया गया। अब नहीं लग रहा कि यहाँ पर पहले से कोई कपड़ा दिया हुआ था और यहाँ पर कोई लड़का था, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो आ रहा है। इस तरह दोस्तों आप अपने किसी भी फोटो से यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी गलत गलती के कारण वो फोटो में आ गया है, तो उसे हटाने के लिए इस ऐप्स का उपयोग करके उसे बैकग्राउंड से हटा सकते हैं, अपने फोटो से रिमूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये जो ऐप्स है आपको बिना इंटरनेट का चलता है दोस्तों। दोस्तों इसे आप फोटो को कितना भी जूम कर लीजिए वो पता नहीं चला। ये देखिए मैं इसे जूम कर रहा हूँ, देखिए कहीं भी वो नहीं लग रहा कि इस फोटो में पहले से कुछ था। अब इसे फिर से मैं जैसा छोटा था फिर से मैं छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और दोस्तों जब कोई ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाए तो इस तरह जब फोटो बन जाए तो ऐसा नहीं कि इसी में सेव रहे, आप इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, गैलरी में सेव कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कहीं भेज सकते हैं, मेमोरी में कर सकते हैं उसे। ये देखिए हर जगह कहाँ कहाँ आप ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए व्हाट्सएप, ये देखिए यहाँ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, शेयर इट के माध्यम से कहीं भेज सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों, आप हमें इसे गैलरी में यदि सेव करना है, गैलरी पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए सेव हो गया। बस सिर्फ इतना ही करना है, ये गैलरी में आपका सेव हो गया, आप गैलरी में आपको मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे दोस्तों, उसमें जल्द ही मैं आपके लिए इंग्लिश ट्यूटोरियल से संबंधित वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको इंग्लिश के सारे प्रॉब्लम दूर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे भाई बंधु के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिले। और हाँ दोस्तों, आगे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करें। इंग्लिश ट्यूटोरियल से संबंधित आपको जानकारी मिलता रहे दोस्तों, और नए नए ऐप्स के संबंध से संबंधित नए टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको जानकारी मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम अपने भाई बंधुओं को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।